कहते हैं ना कि शौक एक ऐसी चीज है जो आज तक दुनिया में किसी का भी पूरा नहीं हो पाया। इसी शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े लोगों की संपत्तियां भी खत्म हो चुकी है। आज की कहानी में एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफर पे चल पड़ती है जिस वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, और फिर उसके पीछे न जाने कितने लोगों की जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी सोचने और समझने पर काफी मजबूर कर देंगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश की कानपुर शहर की। कानपुर का एक थाना लगता है काकादेह। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 26 फरवरी के शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास की। दरअसल इसी काकादेह थाने में एक व्यक्ति आता है, पुलिस वालों को कहता है, साहब मेरा नाम अमित राजपूत है और मैं मतैयापुर का रहने वाला हूँ। अमित पुलिस वालों को कहता है, साहब मेरे घर के भीतर एक महिला की हत्या कर दी गई जिसका नाम है आरती। दरअसल आरती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति राजू कुमार ने किया है। अमित जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस आनंद फानंद में अमित को लेकर उसके घर पे चली जाती है जहां पर पहले से ही काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। जिस कमरे के भीतर डेड बॉडी पड़ा हुआ था उस कमरे के बाहर दरवाजे पे ताला लगा था। पुलिस जब खिड़की के माध्यम से अंदर झांकती है तो फर्श पे एक महिला की लाश दिखती है। पुलिस सबके सामने ही दरवाजे पे लगे ताले को तोड़ करके घर के भीतर घुसती है और सबसे पहले उस लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र करीब करीब 35 वर्ष के आसपास। दरअसल उसके शरीर के सारे कपड़े अस्त व्यस्त ही नहीं था बल्कि उसके गले पे हल्का सा कट का निशान भी दिखाई दे रहा था। पुलिस इस घटना के बारे में सबसे पहले मकान मालिक अमित से पूछताछ करती है कि तुमको कैसे पता चला कि आरती की हत्या कर दी गई है और उसकी हत्या उसी के पति राजू कुमार ने किया है। पुलिस जैसे इस तरह के सवाल पूछ करती है, पुलिस अमित को जवाब देते हुए कहता है कि साहब राजू का एक दोस्त है जिसका नाम है निर्मल श्रीवास्तव जो विजयनगर के भीतर रहता है। दरअसल निर्मल ने ही मुझे ये बात बताया है। दरअसल वहां पर निर्मल भी मौजूद था। अमित जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और साथ ही साथ निर्मल को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर निर्मल से आरती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। निर्मल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मुझे खुद राजू ने ही फोन किया था, उसने ही मुझे बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है और उसकी लाश कमरे के भीतर पड़ा हुआ। हालांकि निर्मल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस को निर्मल की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, इसीलिए पुलिस निर्मल को गिरफ्तार करती है और साथ ही राजू को ढूंढना शुरू कर देती है। राजू जो मूल रूप से गोंडा जिले के कटरी बाजार का रहने वाला होता है। पुलिस वालों जब राजू के नंबर पर कॉल करता है तो उसका नंबर भी तब स्विच ऑफ बताता है, इसीलिए पुलिस अब राजू को खोजते हुए उसके पैतृक गाँव कटरी बाजार पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब राजू के घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि राजू अपना घर छोड़ करके भी फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब राजू को हर जगह पर ढूंढना ही नहीं शुरू करता है बल्कि साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पे जुटा देती है। धीरे धीरे करके लगभग 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय बीतता है 3 मार्च को एक खबरी थाने के भीतर आता है और पुलिस वालों को कहता है कि साहब राजू रावतपुर रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ा है। जैसे ही ये खबरी इस तरह की खबर देती है पुलिस अपने टीम के साथ रावतपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है जहाँ पर राजू एक ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। इससे पहले कि राजू वहां से भाग पाता निकल पाता पुलिस राजू को अपने साथ दबोच लेती है और उसे थाने ले आती है। फिर राजू से उसकी पत्नी आरती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अब राजू भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन राजू जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने लगती है। आरती जिसके पिता का नाम होता है जयशंकर जो हरदोई जिले के नेपुरवा गाँव का रहने वाला है। जयशंकर के टोटल 4 बच्चे होते हैं जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम होता है आरती। जयशंकर जो काफी मेहनत मजदूरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमा करके बहुत ही मुश्किल हालात में अपने बच्चों की परवरिश करता है। आरती जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है लेकिन जैसे 8वीं तक की वो पढ़ाई पूरी कर लेती है घर की माली स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि चाहकर भी आरती आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद घर में अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। लेकिन आरती जैसे ही अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके बाद से जयशंकर अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार जयशंकर को अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से उनको रमेश को मिल जाता है। रमेश जो गोंडा के रसूलपुर का रहने वाला होता है। वैसे तो रमेश के
माता पिता इस दुनिया में नहीं, उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम होता है अजय। रमेश जो राजमिस्त्री का काम करता है और लखनऊ शहर में रहता है। हालांकि रमेश जो आरती से उम्र में काफी ज्यादा होता है। इधर जयशंकर अपने मजबूरी के हालात देखते हुए रमेश को पसंद ही नहीं करता, बल्कि आरती की शादी रमेश से करवा लेता है। आरती जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है और पहली बार जब रमेश को देखती है, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आरती शादी कर अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन उसके पति के साथ आरती का मन ही नहीं लगता। इधर रमेश जब आरती से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, उसके कुछ ही महीने के बाद आरती को अपने साथ लेकर के लखनऊ शहर चल जाता है। फिर लखनऊ के भीतर एक किराए का कमरा लेकर के राजमिस्त्री का काम करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है, आरती दो बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय बीतता है, समय के अनुसार रमेश को अपने पत्नी से भी दिल भर जाता है। रमेश जो दिन भर काफी मेहनत मजदूरी का काम करता है, जब घर लौटता है इस प्रकार से थक जाता है कि खाना वाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। अब रमेश तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी आरती की अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती। चाह करके भी वो आरती कुछ भी नहीं कर पाती। अब रमेश जहां पर अपनी ड्यूटी करता है, वहीं पर राजेश की मुलाकात राजू से होती है। अब राजू जो कि उसी के गांव का रहने वाला है, इसीलिए रमेश और राजू के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन रमेश के भीतर एक बुरी आदत होती है। दरअसल वो शाम के समय जब भी घर लौटता है, वो शराब पी करके आता। लेकिन आरती को ये शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसीलिए रमेश जब भी शाम के समय वो घर लौटता, इसी बात को लेकर के रमेश और उसकी पत्नी आरती के बीच में आए दिन नोकझोंक होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी रमेश शराब पीना नहीं छोड़ता। दरअसल रमेश अक्सर अपने दोस्त राजू के ही साथ में बैठ करके शराब पीता है, लेकिन मैक्सिमम पैसा राजू ही खर्च करता। एक दिन रमेश राजू से कहता कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ और सादा पैसा मैं खुद ही खर्च करूँ, आज तुम मेरे घर पे आना, शराब भी पिलाऊंगा और तुमको खाना अच्छा खिलाऊंगा। जब अपने घर पे वो दावत देता है, राजू रमेश के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता। शाम के समय जब रमेश के घर पे राजू आता है और पहली बार जब उसकी पत्नी आरती को देखता है, आरती की खूबसूरती देख राजू उसके तरफ देखते ही रह जाता है। अब राजू इस बात को सोच में पड़ जाता है कि रमेश जैसे व्यक्ति को आरती जैसी खूबसूरत महिला आखिर कैसे मिल गई। आरती जब राजू को देखती है तो देख करके आरती का भी दिल बहल जाता है। दरअसल पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद से आरती और राजू दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर फोन कॉल के जरिए बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार आरती और राजू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन आरती और राजू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, तो इस बात की जानकारी रमेश को कभी नहीं पता चलता। उसके बाद से राजू अब आरती से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू करता है। दरअसल शाम के समय राजू जब भी रमेश के घर पे जाता है, शराब की बोतल ही नहीं ले जाता, बल्कि दोनों जब साथ में बैठ करके शराब पीते हैं, राजू ज्यादा मात्रा में रमेश को शराब पिला देता है। इधर रमेश जैसे ही नशे में चूर होता है, उसके बाद से राजू रात के समय उसी के घर में आरती से मुलाकात करता। जब दोनों की तमन्नाएं हसरतें पूरी हो जाती है, उसके बाद से राजू वापस अपने घर चला जाता है। ये सिलसिला कई महीनों तक लगातार चलता है। लेकिन एक दिन जब रात के समय दोनों मुलाकात करते हैं, अचानक रमेश की नींद खुल जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में आंखों से देख लेते हैं। जैसे इस तरह की नजारा देखता है, राजू तो वहां से भाग जाता है, लेकिन रमेश अपनी पत्नी की पूरी तरीके से पिटाई कर देता है। जब अपनी पत्नी की काफी पिटाई कर देता है, आरती भी अपने पति के सामने हाथ पैर जोड़ करके खड़ी होती है और अपनी गलतियों की माफी मांगती है, गिर गिराती है। रमेश अपनी पत्नी को माफ तो कर देता है, लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का और समय बीतता है, आरती राजू के बगैर रह ही नहीं पाती। दरअसल इधर राजू का भी वही हाल होता है। उसके बाद से दोनों फोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि अब राजू आरती से मुलाकात करने के लिए अक्सर दिन में ही जाना शुरू कर देता है। इधर आरती जैसे अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है, राजू को अपने घर पे बुला लेती है। लेकिन फिर एक दिन रमेश की जब तबीयत खराब हो जाती है, दोपहर के समय ही अपने घर पे आ जाता है। जैसे ही अपने घर पे वो पहुंचता है, फिर से दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उस दिन राजू को फटकार ही नहीं लगाता, बल्कि अपनी पत्नी की फिर से बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। और उसके बाद से इसी बात को लेकर अक्सर अपनी पत्नी की पिटाई करना वो लगातार शुरू कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे करके आरती को भी अपने पत्नी से नफरत हो जाती है। और जब अपने पति को वो झेल नहीं पाती है, एक दिन राजू से जाकर के मुलाकात करती है और कहती है, अगर तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे तुम शादी कर लो। शादी की प्रपोजल जैसे ही आरती सामने रखती है, राजू भी आरती से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन आरती अपने पति को बिना कुछ कहे ही राजू के साथ घर छोड़ करके भाग जाती है।
और साथ ही साथ अपने घर पर अपने पति के लिए एक लेटर छोड़ जाती है। रमेश जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें आरती ने लिखा हुआ था कि मैं राजू के साथ अपनी दुनिया बसाने जा रही हूँ, दोनों बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ करके जा रही हूँ क्योंकि वो दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। उसके बाद से आरती जब राजू के पास जाती है, राजू आरती को लेकर कानपुर शहर चला जाता है और कानपुर के मतैयापुर इलाके के भीतर अमित के घर में किराए का कमरा ले लेता है। वहीं पर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। करीब करीब 3 साल का समय बीतता है। आरती और राजू दोनों एक दूसरे से बेनतहा मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन राजू जितना भी पैसा कमाता है सारा पैसा आरती के ऊपर ही खर्च करने लगता है। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय बीतता है, राजू को भी अब आरती से दिल भर जाता है। दरअसल राजू चाह करके भी अपनी पत्नी के ऊपर अब पैसे खर्च नहीं करता, जिसके वजह से दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इधर राजू जब कानपुर के भीतर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने ड्यूटी करता है, वहीं पर राजू की मुलाकात निर्मल श्रीवास्तव से होती है। उसके बाद से राजू और निर्मल के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। जैसे ही दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती है, उसके बाद से निर्मल भी अब राजू के घर पर ही आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही निर्मल राजू के घर पर जाता है तो उसकी पत्नी आरती को देख करके निर्मल पसंद कर लेता है। दरअसल जब भी राजू के घर पे हो जाता है, उसकी पत्नी आरती के साथ हंसी मजाक करता है और हंसी मजाक में कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देता है जिसको सुनकर आरती को भी समझने में देर नहीं होती है। इधर आरती को जैसे ही एहसास हो जाता है कि निर्मल उसको आप पसंद करने लगा, आरती भी उसके लिए दरवाजा खोल देती है और फिर निर्मल और आरती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कुछ दिन के बाद इस बात की जानकारी राजू को पता चल जाता है। अब राजू को जैसे ही मालूम चलता है उसकी उसके दोस्त निर्मल के उसके पत्नी का अफेयर चल रहा है, राजू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। दरअसल बार बार जो